हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सरोज प्रजापति है और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं। फर्स्ट बार अनबॉक्सिंग है यूट्यूब पर, तो अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ सॉरी इसके लिए पहले से ही। तो फ्रेंड्स, आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ इंटेक्स के यूपीएस का, जिसका पावर है 725। और क्या है इसमें खास बात और बुरी बात, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इस यूपीएस में क्या खास बात। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो मॉडलिंग बॉक्स है कुछ इस टाइप का इसका बॉक्सिंग में आएगा, और इसका बॉक्सिंग काफ़ी स्मूथली और काफ़ी एट्रैक्टिव है। और देखिए इसका जो कुछ लोगो है, कुछ इसका बैटरी बैकअप कुछ इस टाइप का आएगा, और इसका इसमें कुछ यूज़र गाइड लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ से सिंपली इस टाइप का इसमें कुछ यूज़र गाइड है, और यहाँ पर इसका कोड नंबर वगैरह दिया हुआ है। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं क्या है और क्या है अनबॉक्सिंग का कुछ पैकेट। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आया है इसमें यूज़र गाइड, इसमें क्या कैसे यूज़ करना है पूरा इसमें प्रॉपरली से दिया गया है, और पूरा इसमें बताया गया है क्या इसमें कनेक्टर क्या और कितना वोल्ट का इसमें लगता है बैटरी, और क्या कुछ इनपुट एंड आउटपुट दिया हुआ है। और इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं इसमें क्या और कुछ दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो बॉक्सिंग का पैकेजिंग है कुछ इस टाइप का आएगा आपको। तो सिंपली इसको उठा लेते हैं इस टाइप से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सिंपली इसे उठा लिया, इसको मैंने अनबॉक्स कर लिया मतलब, और क्या इसमें क्या कुछ दिया गया है और क्या कैसे इसका मॉडलिंग है मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसको इस कवर को हटा लेते हैं। चलिए इस कवर को बढ़िया से टाइप का और इस टाइप का इसका कवर मैनेजिंग में आता है, इसको हटा लेते हैं। और देखिए इसमें इसका जो बॉक्स है, बॉक्स कैटेगरी कुछ इस टाइप का आएगा आपको। इसमें 5 पिन जो है आपका 3 टाइप का दिया हुआ रहेगा। एक एक्स्ट्रा इसमें इसलिए दिया रहता है कि अगर बाय चांस आपका एक पिन अगर ख़राब हो जाता है तो आप उस दूसरे पिन को यूज़ कर सकते हैं मैनुअली से। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो कैटेगरी है कुछ इस टाइप का है, और इस प्लास्टिक को हटा देते हैं। और देखिए अब इसका जो आगे का जो फेस है कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा इसमें देखने को। और इसका इंटेक्स का ये काफ़ी अच्छा मॉडल है, और अभी के अगर जनरेशन की बात की जाए तो फ्रेंड्स यही मॉडल सबसे ज़्यादा चल रहा है। इसका कुछ पैकेजिंग फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है, स्टिकर इंटेक्स का इसमें क्या कुछ दिया हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सिंपली यहाँ से देख सकते हैं। और कुछ इस टाइप का इसका बैटरी आएगा, और काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स। आप अपने सिस्टम को 18 इंच का अगर LED आपका मॉनिटर है तो आप सिंपली से इसको बहुत ही अच्छे तरीके से चला सकते हैं, और बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा देगा। और 720 का इसका वोल्ट रहेगा, और काफ़ी अच्छा CPU है। उसमें मैनुअल गाइड में भी आप देख सकते हैं इसका जो पैकेजिंग है कुछ इस टाइप का आएगा। इसमें आपका पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा क्या इसमें कितना डिग्री सेल्सियस वगैरह वगैरह क्या कुछ है, और इसका मॉडलिंग काफ़ी हमको, मैंने तो पहले ऑर्डर किया था तो मुझे सबसे ज़्यादा इसको पसंद आया इसे देखकर कि इसका मॉडलिंग काफ़ी अच्छा है और छोटा भी है और मैनुअली काफ़ी अच्छा है। और इसको स्टार्टिंग करके दिखाते हैं फ्रेंड्स ये किससे स्टार्ट होता है। तो आपको क्या करना है, इस जो बटन है यहाँ पर इसको प्रेस कर ले करके रखना है सिंपली। इसे ये ऑन हो चुका है। अब आप सिंपली यहाँ से कंप्यूटर का जो जितना भी वायर है और मॉनिटर का सिंपली यहाँ से पीछे लगा सकते हैं और अपने कंप्यूटर को। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको पहले क्या करना होता है कि आपको इस बैटरी को CPU को लेने के बाद आपको सिंपली 7 से 8 घंटे चार्जिंग में देना है। उसके बाद आपका जैसे भी कर सकते हैं, आप अपने मॉनिटर कंप्यूटर को चला भी सकते हैं, और सिंपली यहाँ पर आपको प्लगिंग करके रख देना है, और ये आपका मॉनिटर भी चलेगा, आपका USB जो है आपका सिस्टम भी चलेगा, और आप इसको चार्जिंग भी कर सकते हैं मैनुअली से। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।